अच्छा, कोई अच्छे से बात करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नजर आता है और वो जो एक्सप्रेशन और अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाता है ना, उससे आप इम्प्रेस हो जाते हैं और आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये होती है बात करने की कला, यानी कि आप किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्फिडेंट हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लाएं कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगीली जिंदगी। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है ना, और अच्छी हिंदी आती है, तो बस आपका काम हो गया। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस से भर के बात कीजिए। लैंग्वेज से मतलब नहीं होता, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, वो आपके कॉन्फिडेंट को दर्शाती नहीं है, बल्कि आप खुद को ऐसा फील कराते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। चलिए बताएं। जब भी आप बात करते हैं ना, तो अपने अंदर पहले ये फील लाइए कि मैं जो बोलूंगा बिल्कुल सही बोलूंगा, करेक्ट बोलूंगा या बोलूंगी। लेकिन अगर आपको अंदर से थोड़ा सा डर लगता है ना, तो वो गलत हो जाता है। डर को भगाइए, तभी आप अच्छे से बात कर पाएंगे, खुल के बात कर पाएंगे और अपनी फीलिंग्स को रख पाएंगे। तभी जब आप फील कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट फील तभी करता है इंसान जब आप अंदर से खुद को मजबूत करिए, और वो आप ही कर सकते हैं। लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको अगर हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश अच्छे से आती है तो इंग्लिश बोलिए बस, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर लीजिए और तब बात कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप बात करेंगे ना, आपके धीरे धीरे बात करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। आपका डर निकलता जाएगा, आपका जो अंदर से आप बहुत डरा डरा फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जाएंगी। वो डर ही ऐसी चीज़ है ना जो ये डराता है कहीं ना कहीं। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उन सबको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जो भी जैसा भी सोचता है, नहीं मतलब मुझे बोलना है, लेकिन जो बोलना है ना, उसे पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर उन बातों को रिप्रेजेंट कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, कोई भी इंसान ना ऐसा नहीं चाहता कि वो कॉन्फिडेंट ना दिखे, है ना। आप लोगों का तो क्वेश्चन यही होगा ना कि हम कहाँ चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। हम तो चाहते हैं ना हम कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन दिखे कैसे? तो बिल्कुल सिंपल है कि जो आप बोलने जा रहे हैं, आपके वाक्य, आपके शब्द क्लियर होने चाहिए और आप खुद को उन्हें पास कर लीजिए कि हाँ, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ या जो बोलने जा रही हूँ वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर अंदर ही अंदर आप ये फील करेंगे ना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो गलत है, हो सकता है गलत है, तो आप पहले ही खुद को डाउटफुल में डाल दे रहे हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? इसलिए कॉन्फिडेंट फील करना है तो सबसे पहले दो बात, अपनी बातों को रिकॉल कीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद ही बात कीजिए। आपके शब्दों से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे आपने कभी बोला कि हमें लगता है कि शायद हम ये कर सकते हैं, हमें लगता है, शायद, ये सारे वर्ड्स ना आपको डाउटफुल फील कराते हैं और यही हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि आप तो कन्फ्यूज हैं। जब आप खुद ही कन्फ्यूज हैं तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस कहाँ से दिखेगा? इसलिए शब्दों को यूज़ करना, सही शब्दों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तालमेल बैठाना अपने शब्दों के साथ, अपनी बातों को, और उन्हें रिप्रेजेंट करना कॉन्फिडेंटली बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों में ना आ तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं फील कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो अटक रहे हैं यार, तो अटकना तो है नहीं। आपको जो भी बोलना है वो फ्लुएंटली बोलना है। आपको 2 मिनट मिल चुके थे आपके मन में सोचने के लिए, तो आपको उस समय अपने सेंटेंस को क्लियर कर लेना था और उन्हें रिप्रेजेंट करना था। अच्छा, लोग ना दूसरों से क्वेरीज वर्क करते हैं, तुम्हें कैसा लगता है, तुम ऐसा करोगे तो कैसा होगा। आपके क्वेरीज ही गलत हैं। आपने पहले उन्हें क्वेश्चंस क्यों किए? आप अपनी बातों को बताइए, व्यक्त कीजिए, आप क्या फील करते हैं, पहले आप रिप्रेजेंट कीजिए। सामने वाला तो आपको अपना व्यू देगा ही देगा, तो इसलिए अपने वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और आप जो पूछना चाहते हैं ना वो बाद में पूछेगा, पहले अपना व्यू देना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपने व्यू दे दिया और उसके बाद उनसे क्वेरी की कि आपको कैसा लगता है या आपका क्या विचार है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अपने व्यू दीजिए और व्यू देने के बाद थोड़ी देर पॉज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर बोलते चले जाएंगे ना तो सामने वाले को अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, किसी काम को करने से पहले, ट्राई करने से पहले आपने अगर ये बोल दिया ये मेरे से नहीं होगा, तो
तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कर सकते हो, कोई भी काम इम्पॉसिबल तो नहीं होता ना, तो आपको जरूर जरूर उसको ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले ही बोल दिया तो आपका कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका, सब कुछ गलत है वहाँ। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी काम को ना नहीं कहना है, आपको हाँ कहनी है अगर आप कर सकते हैं तो। अब पहाड़ खिसकाने के लिए कोई बोल दिया तो आप हाँ थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसी बातें बोलता है कि आप क्या ये काम कर सकते हो, और वो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो उसे हाँ बोल दीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के पहले अगर आपने ये बोल दिया शायद मैं नहीं कर सकता, तो गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप हर काम के लिए हाँ करेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो कॉन्फिडेंस तो लग गया तेले ने, क्योंकि जो भी सोच सकता है सोचता ही है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो क्या सोचता है, आप जो सोचते हैं ना वो सही है, आप जो बोलते हैं ना वो सही है, ये फील करना खुद के अंदर वो जरूरी है। बट कॉन्फिडेंस फील कीजिए, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कॉन्फिडेंट होंगे, तभी होंगे जब अंदर से आपके अंदर फील आएगा। और इसके लिए आपको कोई क्या सोचता है इससे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अच्छा, अक्सर ऐसा भी करते हैं कि जब आपकी गलती होती है तो आप सॉरी बोलते हैं, लेकिन जब आपकी गलती नहीं होती तब भी आप सॉरी बोलते हैं। क्या करते हैं यार, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको ना, तब सॉरी नहीं बोलना जब आपकी गलती ना हो। आपकी गलती है नहीं तो आप सॉरी क्यों बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपकी गलती है ना तो सॉरी बोलना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि आप कहाँ आपको सॉरी बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिना मतलब कि आप सॉरी 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 बोलते हैं ना, तो आप खुद को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करते, आप खुद को सामने वाले के प्रति लो फील कराना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो हाई है, वो अप है, मैं लो हूँ, मैं उसके नीचे ही दबी रहूँगी या रहूँगा, गलत है ना। तो आपको वहाँ पे अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप अंदर से अच्छा फील करते हैं। तो खुद को पहले अच्छा फील कराइए, आप जो करते हैं, आप जो सोचते हैं वो सब सही है, ये फील कराना जरूरी है, तभी आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। दूसरों के कॉन्फिडेंस को अप होते हुए देख के खुद का कॉन्फिडेंस लूज करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट है और मैं वैसा नहीं हूँ, तो यार ये गलत हो जाता है। वो कॉन्फिडेंट है तो आप भी खुद को कॉन्फिडेंस से भर दीजिए ना, ताकि आप भी उतना ही ज़्यादा या उससे ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील करें और सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अच्छा, हम ना एक गलती और करते हैं बात करने के दौरान, वो क्या होती है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई ना तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना, कोई गलती हुई है, गलती तो सबसे होती है, तो फील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और ओके बोलिए और आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस से भरे रहिए। लेकिन अगर आप अपना उत्साह ख़त्म कर देंगे, आप डरे सहमे लगेंगे, तो फिर आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि आप ठीक है, आप ओके हैं। जब आप ही ओके नहीं है तो जिसके लिए आपने गलती की ना, वो तो और ओके नहीं होगा। इसलिए सामने वाले को ओके करना है तो खुद भी ओके फील कीजिए, इट्स ओके, आगे बढ़ो। ये कहना और फील करना और आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस से भर देना है खुद को। अच्छा, कॉन्फिडेंस से खुद को भरने का मतलब ये नहीं है कि आप एक फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं और सामने वाले की सुन ही नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बोलना है तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन सामने वाले की भी बात सुनिए और उसे समझिए, बहुत जरूरी है। अपनी बात बोलिए, सामने वाले की बात सुनिए, इससे आपकी बात एक्सचेंज होती है। जो आप बात करते हैं सामने वाला भी समझ पाता है और आप भी समझ पाते हैं। लेकिन आप बोले जा रहे हैं, सामने वाले की सुनते नहीं हैं, और आप ये फील करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, नहीं, ये गलत है। ये बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है। आप खुद बोलना चाहिए, कम शब्दों में बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और सामने वाले की बात जरूर सुननी चाहिए। लेकिन आप धड़ल्ले से बोले चले जा रहे हैं तो सामने वाला आपकी बात क्यों सुनेगा इतनी ज़्यादा देर। तो बिल्कुल कम शब्दों में बोलना है, अच्छा बोलना है, और सामने वाले की बात सुननी है। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोलते हैं ना, उससे पहले आप उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते, अपने मन का नहीं बोलते, बल्कि आपको उसके बारे में डीप नॉलेज है, तभी आप बोल पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लाना है तो उसके लिए पहले डीप नॉलेज ले लीजिए और उसके बाद बोलिए।
अच्छा कभी ऐसा किया है? नहीं किया तो जरूर जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बस अपना मिरर लीजिए, सामने रखिए और कम से कम आधा घंटा खुद से चैट कीजिए, खुद से बातें कीजिए। बातें करना तो रिलैक्स करता ही है, माइंड को रिलैक्स करता है, साथ में आपको कॉन्फिडेंस से भर देता है। तो फिर देर किस बात की, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने अंदर की फीलिंग्स को भी व्यक्त करना है तो बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा आप इसे ज़रूर दीजिए। ये एक मेडिटेशन का भी काम करता है। मेडिटेशन का काम कैसे करता है कि आप जो सोचते हैं, अपने विचार जो सोचते हैं, पूरे दिन में आप जो किए होते हैं, उन सब विचारों को व्यक्त करते हैं ये, तो आपके माइंड को भी शांति मिलेगा, पीस मिलेगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी अप होगा। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं है ना, तो आप मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज दी है। नहीं देखा तो तुरंत देखिए। अच्छा, असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस वही डाउन हो जाना चाहिए, नहीं। अगर आप असफल किसी फील्ड में हो गए हैं, सक्सेस नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो खुद को कॉन्फिडेंस से भर लीजिए और फील कीजिए कि मैं फिर से प्रयास करूँगा या करूँगी। उससे होगा क्या कि आपके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस वहीं दबा दिया ना कि मैं तो फेल हो गया, मैं फेल हो गई या मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर आप कभी नहीं, कोई और दूसरा काम कभी नहीं सोच पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस अप करना है तो हर काम को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चाहे सफल हो या फिर असफल, काम को करते रहिए, तभी आप लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।